ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। कुंभ राशि अप्रैल माह 2019 का राशि है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह कैसा रहने वाला है यह हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुंभ राशि में अप्रैल माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में धन भाव में रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में पराक्रम भाव में रहेंगे। मंगल पूरे माह वृषभ राशि में सुख भाव में रहेंगे। बुध 12 अप्रैल तक लग्न में कुंभ राशि में रहेंगे और फिर 12 अप्रैल से मीन राशि में धन भाव में रहेंगे। गुरु 22 अप्रैल तक धनु राशि में आय भाव में रहेंगे। फिर 22 से वृश्चिक राशि में आपके कर्म एवं राज्य भाव में रहेंगे और शनि धनु राशि में 11वें आय भाव में पूरे माह रहेंगे और राहु केतु भी 5वें एवं 11वें भाव में पूरे माह रहेंगे। अब देख लेते हैं कुंभ राशि में अप्रैल माह में ग्रहों के प्रभाव कैसे रहेंगे। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में धन भाव में रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में रहेंगे। आपके राशि में सूर्य सप्तमेश होकर धन भाव में रहने से व्यापार में धन लाभ के योग बना रहे। जो जातक व्यापार में है उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा, इसीलिए आप इस माह भाग्यवान एवं धनवान होंगे। हाँ, मुंह से संबंधित रोग, नजर से संबंधित कमजोरी और दांत से संबंधित परेशानी हो सकती है। जिन लोगों का विवाह हो गया है उन्हें धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य तृतीय भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में रहकर आपका शौर्य एवं पराक्रम बढ़ाएंगे, धन लाभ कराएंगे, लेकिन संतान से संबंधित परेशानी हो सकती है। भाई तथा संबंधियों से भी खटपट हो सकती है। मंगल जातक का व्यक्तित्व विकास करते हुए आत्मबल बढ़ाएंगे, अतः विपरीत दशा में संयम बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। संयम आपकी प्रतिभा एवं मान सम्मान को बरकरार रखेगा। अब देखते हैं मंगल की स्थिति। आपकी राशि में दशमेश मंगल पूरे माह सुख भाव में रहते हुए आपको धनवान, सुखी, दानी बनाने वाले हैं। दशम के स्वामी के लिए ये बहुत ही अच्छी शुभ दशा स्थिति होने से एवं पूर्ण दृष्टि अपने ही राज्य भाव पर होने से माता की ओर से सुख, भूमि, वाहन, भवन का सुख प्रदान करते हुए आपको धनवान एवं विद्वान बनाने वाले हैं। बुध 12 अप्रैल से लग्न में शुक्र के साथ बुध श्री लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और 12 अप्रैल के बाद धन भाव में बुधादित्य योग बनने से उत्तम स्थिति बन रही है, जो आपको बुद्धि, विद्या, बल देने के साथ साथ धन लाभ अवश्य कराएगी। साथ ही गुरुदेव आय भाव के स्वामी होकर कर्म एवं राज्य भाव में दशम भाव में होने से अत्यंत शुभ योग बना रहे हैं, परंतु लाभ परिश्रम से ही मिल पाएगा। वहीं गुरु धन भाव के स्वामी होकर कर्म एवं राज्य भाव में होने से जातक सरकार से सम्मानित होगा। जातक भाग्यवान, धनवान, सचरित, गुणवान, सरकार से धन लाभ की प्राप्ति होगी। दशम भाव से पांचवी दृष्टि धन भाव पर होने से उत्तम धन की प्राप्ति के योग बना रहे, परिवार का उत्तम सुख प्राप्त होगा। गुरु की सातवीं दृष्टि सुख भाव पर होने से धन वैभव, सुख संपत्ति और आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि करने वाले हैं। इधर लगने शनि भी आय भाव में होने से जातक को धार्मिक, सच्चरित, सज्जन, स्वाभिमानी, साहसी और प्रसिद्ध करने वाले, जिससे आय की स्थिति अच्छी बनाने वाले। गुरु और शनि मिलकर बैलेंस, सामंजस्य बना रहे। दोस्तों से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। गुरु शनि की नौवीं एवं सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से शिक्षा एवं संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। पुण्यदायी यात्रा के योग बन रहे हैं। धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए विद्या अर्जन और ट्रेनिंग के अच्छे योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता के योग बन रहे हैं। चतुर्थेश और भाग्येश शुक्र धन भाव में होने से धन, आत्मविश्वास, वृद्धि, सुख, समृद्धि प्रदान करेंगे, जो पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले। भूमि वाहन का कारक बन रहे हैं। पिता गुरुजनों का आज्ञाकारी बना रहे हैं, माता की ओर से धन लाभ दिला रहे हैं।
सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि धन भाव में रहने, बुध केतु चंद्र के साथ एवं राहु केतु एवं सूर्य की सूर्य के रहने के साथ में और राहु केतु की सीधी सातवीं दृष्टि रोग शत्रु के भाव पर होने से अनावश्यक व्यय खर्चे के योग बन रहे हैं। अतः सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेषकर 1, 12, 13, 14, 26, 27, 28 इन तारीखों का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय ध्यान रखें। अतः दोस्तों, कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाला है। इस माह भाग्य का प्रतिशत 75 से 85% रहेगा, अर्थात बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके लिए धन सुख संपत्ति उन्नति विकास के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला। यदि उपरोक्त बताए अनुसार आपने इसका लाभ लिया तो ये माह आपके लिए सफलता सुख संपन्नता दिलाने वाला साबित होगा। खुशखबरी यह है कि आप अपनी कुंडली विश्लेषण फ्री में पा सकते हैं। करना क्या है आपको, जो भी जातक अपनी कुंडली बनवाना और सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना डाटा जैसे नाम, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दे। उसे 13 पेज की कुंडली और सूक्ष्म विश्लेषण 3 दिन के अंदर व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। और दूसरी खुशखबरी यह है कि जो भी जातक मुझसे बात करना चाहते हैं वे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में या समस्या के बारे में निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जातक अपनी और उन्नति जल्दी चाहता है तो इन उपायों के साथ साथ योग, प्राणायाम, ध्यान, नियम का पालन और नियमन अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट का नियमित ध्यान आपको दुगनी गति से सभी क्षेत्रों में उन्नति दिलाने में सक्षम होगा। ये मैं नहीं, आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। उपायों के लिए मेरी 2019 की वार्षिक वीडियो देखें। व्रत के महत्व को जानने के लिए मेरी वीडियो व्रत का महत्व अवश्य देखें। यदि आप बहुत कुछ उपाय कर चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जरूर आपकी कुंडली में ऐसा दोष है या ग्रहों की दशा चल रही है जो आपकी सफलता में बाधक बन रही है, या आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर दशा भाव कुदृष्टि में है जो कुंडली का विश्लेषण करवा कर उन ग्रहों से संबंधित उपाय करके उन्हें पावरफुल किया जा सकता है और उनके शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है एवं अपने जीवन की वास्तविक सफलता का आनंद ले सकते हैं। अतः अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अपने आप और अपने जीवन को जानकर सफलता पाएं। दोस्तों, एक बात मुझे यहाँ कहना पड़ रही है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अर्थात पसंद कर रहे हैं पर लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे चैनल पर व्यूज 14 लाख से ज्यादा है पर सब्सक्राइबर 25,000 ही है। दिस इज नॉट फेयर। दोस्तों, हम आपके लिए वार्षिक एवं मासिक राशि, भविष्यफल एवं उनके शुभ अशुभ योग, तारीखें आदि निकालने में बहुत ही श्रम एवं समय लगाते हैं। अतः कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष एवं अपनी राशि के बारे में विस्तार से जानने के लिए अब मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरे सभी यूट्यूब चैनल, ब्लॉगर, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट में जाकर अपना ज्ञान समृद्ध कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए टाइप करें आयुर्वेद से ज्योतिष के हल आजकल .com। यूट्यूब चैनल है चेतन अवचेतन हो जाए आयुर्वेद से ज्योतिष के हल। फेसबुक अकाउंट है शंभु दयाल सूर्या। ट्विटर अकाउंट है शंभु दयाल सूर्या। ईमेल आईडी है सूर्य दयाल गुरु 6268@gmail.com। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। धन्यवाद। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की सलाह के लिए आप हमारे सलाहकार एवं न्यूट्रिशन विशेषज्ञ पंडित संजय शर्मा एवं श्रीमती सुषमा विलेकर से संपर्क कर सकते हैं या मिल सकते हैं। सर्व हर्बल प्रोडक्ट वेलनेस सेंटर, यशवंत प्लाजा, इंदौर। कुंडली के विश्लेषण में आपको आपके वह गुण और कर्म दिखाई देंगे
जो आपको ही नहीं मालूम है, या आपको अपने गुण और कर्म मालूम तो हैं, पर उन्हें करना है या नहीं करना है ये आपको पता नहीं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं, तो आपकी उन्नति डबल हो जाएगी। अतः कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और इसे शेयर भी करें, ताकि आपके शेयर करने से आपका परिचित भी लक्ष्मी कृपा से लाभान्वित हो सकेगा और आपको दुआ देगा, जिससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।